तो हमारा अगला टॉपिक है संख्याओं का योग। ठीक है, एग्जाम में दिया रहेगा, जैसे मतलब कि एग्जाम्पल दे दिया कि एक से लेकर के 1+1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, ऐसे करते करते 49 दे दिया आखिरी में। बोला कि एक से लेकर के 49 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। तो अब आपके पास तो टाइम उतनी रहेगी नहीं कि 1 धन 2 धन 3 करते 49 तक पूरा जोड़ते जाइए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसका कुछ फार्मूला होता है ऐसे। ठीक है, तो जैसे पहला फार्मूला देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा। तो उसका फार्मूला है n मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में n+1 पूरे का बटे 2, यानी n इंटू n+1/2। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर बोल दे आपसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक से लेकर के 50 तक सभी संख्याओं का लगातार आई हुई सभी संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए, तो एक से लेकर 50 तक, 50 हमारा क्या है, यन है। यहाँ यन का मतलब क्या है, जो आखिरी नंबर है। तो क्या देखिए, 50 बोला है, एक से लेकर के 50 तक अगर बोल रहा है, एक से लेकर 50 तक क्या किया जाएगा, तो यन की जगह 50 हो गया। तो पहला क्या है, यन इंटू n+1, यानी कि 50 × n+1, यन की जगह 50 + 1 यानी 51/2। कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एक से लेकर के 50 तक की सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझे भी इस पे पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। दूसरा फार्मूला है यद प्रथम यन सम संख्याओं का योग। जैसे मान ली दे दिया कि कुछ दे दिया कि 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 12, ऐसे करते करते 50 तक चला गया। तो बोला कि प्रथम मतलब कि स्टार्टिंग के शुरुआत के जो 10 सम संख्याएं आए उसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो उसका योग क्या होगा। तो उसका फार्मूला है n मल्टीप्लाई बाई n+1। ठीक है, n मल्टीप्लाई बाई n+1। तीसरा चीज, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ फार्मूला हो गया है n स्क्वायर। तो ये अगर सिर्फ दे दिया जाए संख्याओं का योग, पहला चीज क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n मल्टीप्लाई बाई n+1/2, प्रथम n सम संख्याओं का योग, n मल्टीप्लाई बाई n+1, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, n स्क्वायर। तो ये है फार्मूला संख्याओं का योग ज्ञात करने का। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। तो पहला हमारा फार्मूला क्या था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में n+1/2। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, अगर कुछ दिया 1 धन 2 धन 3 धन, ऐसे जाते जाते 75 तक गया। अब पूछा कि इसका योग क्या होगा, तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये देखिए प्रथम यन लगातार है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन लगातार आया है। तो क्या किया गया है, तो हमारा आखिरी नंबर क्या है, यन है, आखिरी नंबर क्या है, 75 है। तो यन की जगह पे यन इज इक्वल टू कितना हो गया, 75। ठीक है, और हमारा फार्मूला होता है एन इंटू ब्रैकेट में n+1/2, जिसके हिसाब से 75 × 75+1/2, जिसका हो जाएगा 75 × 76/2। तो 2 × 1 = 2 और 2 = 38, 38 × 76 होता है। अब क्या करेंगे, 75 में 38 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, एक से लेकर के 73 तक की संख्याओं का योग हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए कि ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल दिया हो 1 धन 3 धन 5 धन 7, ऐसे करते 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 कहां तक, मान लिया 75 तक चला गया। ठीक है, इसमें अगर पूछ रहा हो
एक धन, तीन धन, पांच धन, सात धन, ऐसे करते करते 75 तक चला गया, तो इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा संख्याओं के योग निकालने के लिए? तो बताइए आप लोग क्या करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एक धन तीन, और ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या हो गया ये, क्या हो गई, विषम संख्या। एक विषम है, तीन विषम है, पांच विषम है, सात विषम है, 75 भी विषम है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन दे दिया गया तो हम लोग पढ़े थे विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर, ठीक है, पिछले पढ़े थे कुछ समय पहले, विषम संख्याओं का योग के फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज बताइए आप लोग हमको कि एक से लेकर के 75 के बीच में बोला है कि विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो आप लोग कहेंगे कि बहुत आसान है कि विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, यहाँ पे n हमारा 75 है, तो 75 का स्क्वायर 75 × 75 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल गलत सोच है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम में गलती करके चले जाएंगे, मार्क्स 0/2 मिल जाएगा। देखिए, एक से लेकर के 75 के बीच में सिर्फ विषम संख्याएं ही नहीं, सम संख्या भी आती है। कौन सी संख्या आती है, सम संख्या भी आती है। तो देखिए, अगर ये 74 रहता तो 74/2 यानी कितना, 37, 74/2 यानी कि 14 का आधा कितना होगा, 37, 37 जो है सम संख्या और 37 विषम संख्या। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा आ गया तो 75 दे रहा है, लेकिन अगर टोटल 74 संख्या होती, 74 तक पूछता, तो 74 तक, एक से लेकर के 74 तक 37 ठो सम संख्याएं आएंगी और 37 ठो विषम संख्याएं आएंगी, लेकिन यहाँ पे 75 दे दिया तो 74 रहता, 37 सम, 37 विषम, और 75 दे दिया तो 37 + 1 = 38। तो अब कितना हो गया, विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 38 हो गई, ठीक। विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 38, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए ये n है, ये जो है 75 नहीं है, यहाँ पे ये n है, ठीक। तो अब देखिए n इज इक्वल टू कितना हो गया, 38, तो हमारा होता है विषम प्रथम, n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 38 है, तो क्या आ जाएगा, 38 × 38, 38 × 38 जो पूरा करने में जो आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में +4 + 6 + 8 + ……+76 ये दे दिया गया और पूछेगा कि इसका जो है क्या, अब देखिए 76 का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं एग्जांपल समझने के लिए आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे अगर दे दिया और पूछा कि इसका योग निकालिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। देखिए, तो अब हमारा जो होता है फार्मूला, प्रथम n सम संख्याओं का योग के लिए क्या होता है, n × (n+1), ये होता है फार्मूला, ठीक है, n × (n+1)। तो फिर वही आप लोग गलती करने जाएंगे कि यहां देखिए, आप देखे थे कि हाँ, जो लास्ट अंक वही n है, तो n = 76 हो गया, तो 76 × 77 आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं, गलत ऐसे नहीं जाएंगे। क्या देख रहा है, 2 से लेकर 76 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका योग पूछ रहा है, तो 2 से लेकर 76 तक विषम संख्याएं भी तो आएंगे भैया, ऐसा नहीं सिर्फ सम संख्या आएंगी, विषम संख्या भी आएगी। तो क्या करेंगे, सिर्फ हमको सम संख्याओं का योग निकालना है ना, तो देखिए 76, क्या बोला, 76 यहां पे देखिए, तो 76 का आधा कितना होता है, 38 होता है। तो इतना जान लीजिए कि 2 से लेकर 76 तक 38 विषम संख्याएं होंगी और 38 ही सम संख्याएं होंगी। तो हम लोगों को क्या पूछा है कि 2 से लेकर 76 तक के बीच में जितनी सम संख्याएं आए उसका योग निकालना है, तो हमारी कितनी सम संख्याएं हैं, 38 है, ठीक।
तो सम संख्या 38 हो गई, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 38 हो गई। फार्मूला ये वाला देखिए, वाला पुट कीजिए n इंटू n प्लस 1, तो 38 गुणे 38, ठीक है 38 गुणे 38 प्लस 1, तो 38 गुणे 39। अब ये गुणा करके देखिए जो आ जाएगा वही हमारा 2 से लेकर के 76 के बीच जितनी भी सम संख्याएं आएंगी उसका योग है, ठीक है। तो ये था हमारा संख्याओं के योग पता करने का फार्मूला, विधि, नियम चाहे जो कहे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए जो कि आप लोग करते नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।